को बदला सकते हैं। ठीक है, इस शेयर को बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया। कार्डबोर्ड पर मैंने समान दूरी रखते हुए 10 होल किए हुए हैं और वहाँ पर मैंने एक जगह पर एरो का निशान लगाया हुआ है और इस कार्डबोर्ड के चारों ओर ए से लेकर जेड तक अक्षर लिए हुए हैं। पहले ABCDEF GHI JKL MNO PQR STU VWX Y और Z, इस तरह से पूरे अल्फाबेट इस पे लिखे हुए हैं। जब हमें किसी भी यहाँ पे शीट में जो भी शब्द लिखे गए हैं इनमें से किसी भी शब्द का अर्थ हमें जाना हो तो शब्द के माध्यम शब्द को हम उच्चारित करके चित्र के माध्यम से हम शब्द का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले ये जो एरो का निशान है हमको इस पॉइंटर पर लाना होगा इस तरह से। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है काफ, CALF, काफ की स्पेलिंग। सबसे पहले हम सी डाल करेंगे, दोनों पकड़ लेंगे, इस एरो को हम पॉइंटर पे ले आएंगे, CALF। ये एरो जो है इस बछड़े की ओर इशारा करेगा, इससे बच्चा जान जाएगा काफ का अर्थ जो है बछड़ा होता है। दूसरा, अगर हमें लायन लायन का अर्थ जानना हो तो हमें लायन की स्पेलिंग को इसमें डाल करना होगा, LION, लायन। तो ये जो तीर का निशान है लायन पर आ जाता है और बच्चा जान जाएगा लायन मीन्स शेर होता है। लायन को चलो शुरू LION, 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 देखिए कर ले आगे। उससे पहले इस पॉइंटर को हमको यहाँ पर लाना होगा, एरो का निशान है को यहाँ पर लाएंगे तभी हम किसी शब्द का अर्थ चित्र को इंडिकेट करा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं होगा। काउ, काउ का स्पेलिंग होता है COW, काउ। काउ मींस बच्चा चित्र देख के जान जाएगा काउ मींस क्या होता है। और का स्पेलिंग होता है OWL, हमने ओ डायल किया, डब्ल्यू डायल किया और JKL आउल, आउल पे रॉक, ठीक है। बच्चा अच्छी तरह देखेगा उसका अर्थ। हमने यहाँ पर फ्रूट के फोटोज जो यहाँ पर चिपकाए हुए हैं, जैसे हमें बनाना ही ले लेते हैं, ठीक है। बनाना की स्पेलिंग BANANA, बच्चा यहाँ से स्पेलिंग लेगा। मान लीजिए किसी को स्पेलिंग नहीं भी आता हो तो यहाँ से ले सकता है वो, उसके लिए पॉइंटर को यहाँ पर लाना होगा हमें। बनाना BANANA, बनाना, ये रो बनाना को लिखा है चित्र पे आ गया। बनाना मीन्स केला। इस प्रकार से आप वेजिटेबल्स, हाँ सर, ओला कैपिटल राइटिंग में लिखता था ज़्यादा बेहतर नहीं है इसका, अब लेटर लिखा हुआ सर। हमने वेजिटेबल्स का भी सीड बनाया हुआ है, सारे वेजिटेबल्स के यहाँ पर वो पिक्चर्स लगे हुए हैं, इसका नहीं मिल रहा था जब मैंने लगा दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए भी है। तो हम कैरेट को ले लेते हैं, टोमेटो ही लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पे टोमेटो है। टोमेटो का स्पेलिंग पहले तो हम पॉइंटर एरो को पॉइंटर पे ले आएंगे, ठीक है। अब इस टोमेटो का स्पेलिंग को इस पर डायल करेंगे, फर्स्ट लेटर T OM AT और ये O यहाँ पे है एरो के टोमेटो को के चित्र पे अपना तीर का निशान दिख रहा है। बच्चा चित्र देखेगा शब्द का अर्थ जान जाएगा। बच्चे को रंग के बारे में जानना हो तो बच्चा यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, किस शब्द का कौन सा रंग होगा या कौन सा अर्थ होगा इसको भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक स्पेलिंग BLACK, बच्चा सबसे पहले B डायल करेगा,
फिर एल डाल करेगा, उसके बाद ए डाल करेगा, सी, उसके बाद के। एरो जो है इधर काले रंग को इंडिकेट करेगा, बच्चा जान जाएगा ब्लैक का काला होता है। और भी कर सकते हैं, वाइट के लिए करते हैं। वाइट पहले इस पॉइंटर को हम घुमा के लेंगे यहाँ पर, वाइट डब्ल्यू एच आई टी ई, डब्ल्यू एच आई ई और ये ई वाइट। एरो जो है सफेद रंग को इंडिकेट कर रहा है, इससे बच्चे को पता चल जाएगा वाइट का अर्थ जो है सफेद होता है।